गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, आज आपका राइटर मॉड्यूल 3 का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट में कुछ आपको बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें आप प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर पर करके दिखाएंगे। आइए अब जानते हैं कि इस टेस्ट के नियम क्या हैं। यह टेस्ट आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, जिसमें आपको एक एक करके दिए जा रहे ऑप्शंस को उपयोग करके दिखाना है। इस टेस्ट का समय 45 मिनट है। कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो वह टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। आप सबको जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उसका आंसर आपको उस प्रश्न के बाद करके दिखाया जाएगा कि आपने उसे सही किया है अथवा नहीं, जिसे देखकर आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और बताए जा रहे वीडियो की मदद से राइटर की फाइल को ओपन करें। आइए अब टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिए गए टेबल को ड्रॉ करें। क्या आपने टेबल ड्रॉ कर लिया है? अब फॉर्मूला की मदद से दिए गए नंबर्स का टोटल करके दिखाएं। टोटल करने के बाद अपने टीचर को दिखाएं। अगर कोई समस्या है तो वीडियो को देखें। आइए अब टेबल के जो नंबर्स हैं उनको टोटल करना सीखते हैं। इसके लिए आप सभी जहां भी आपको टोटल निकालना है वहां पे अपने कर्सर को रखें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमें यहाँ पे टोटल निकालना है टोटल वाले कॉलम में। कीबोर्ड में बराबर के साइन को देखेंगे, उसे टाइप करेंगे, उसके बाद एस यू एम लिखेंगे यानी सम, फिर ब्रैकेट ओपन और जिस नंबर के भी टोटल करने हैं उन नंबरों को सेलेक्ट कर लेंगे माउस या टचपैड के द्वारा। लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, उसको ऐसे ड्रैग करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर बटन क्लिक कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं उनके टोटल हो जाएंगे। फिर अगले कॉलम में आए, सेल में आए, यहाँ पे भी इक्वल टू एस यू एम टाइप करें, ब्रैकेट ओपन, नंबर्स को सेलेक्ट करें, नंबर के सेल को सेलेक्ट करें, फिर आप एंटर बटन का उपयोग कर दें। सम हो जाएगा। अगले सेल में जाएं, यहां पर भी वैसे ही इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, नंबर को सेलेक्ट करें, या फिर आप डायरेक्टली यहां पे अगर सेल के नंबर को जानते हैं तो उसे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। अगर कोई सेल के अंदर प्लस कर सम करते टाइम मिस्टेक होती है, उसे आप बैकस्पेस की के द्वारा मिटा सकते हैं। इक्वल टू सम टाइप करें, ब्रैकेट ओपन, नंबर्स के सेल को सेलेक्ट करें, एंटर बटन का उपयोग कर दें, टोटल हो जाएगा। अगले सेल में जाएं, यहाँ भी सेम एक ही जैसे कार्य को करना है। अगले सेल में आ जाएं, फिर इक्वल टू एस यू एम सम टाइप करें, ब्रैकेट ओपन, नंबर के सेल को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद एंटर बटन का उपयोग करें। इस सेल के भी नंबर का टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर्स के टोटल कर सकते हैं। अब टेबल में एक डिजाइन लगाकर दिखाएं और फिर अपने टीचर को दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें। आइए अब टेबल के डिजाइन को करना सीखते हैं कि टेबल को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए
जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, टेबल को बना लिया आपने, उसके बाद अपने पॉइंटर को टेबल के अंदर रखें और क्लिक करें, उसके बाद मेनू बार के टेबल विकल्प पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स के अंदर आपको ऑटो फॉर्मेट ढूंढना है, यहाँ पे अपने पॉइंटर को लेकर आएं, क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है टेबल के डिजाइन को, आप इसे स्क्रॉल करके यहाँ से नीचे की तरफ आप इसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, इनको एक एक सेलेक्ट करके देख सकते हैं, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे, उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करें यहाँ से, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर लें। उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें, आपके टेबल का वह डिजाइन आ जाएगा। इस तरह से आप अपने टेबल के फॉर्मेट को या टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को सेव करें और इसे पीडीएफ की फाइल में बदलें। सेव करने के बाद अपने टीचर को दिखाएं, अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर सही करें। आइए अब फाइल को सेव करना और इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीखते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के फाइल विकल्प पे लेकर आएं, यहाँ पे क्लिक करें, एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे अब आपको सेव विकल्प को ढूंढना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, सेव पर क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर को लोकेशन दिखाया जाएगा, आपके कंप्यूटर का लोकेशन दिखाया जाएगा, आपको पता है कि आपको कहाँ पे फाइल को सेव करना है या किसी फोल्डर के अंदर, हम डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट जो भी है जहाँ सेव करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे फाइल के नाम को टाइप करेंगे और फिर सेव पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा आपका यह फाइल अब सेव हो गया। अब आपको यहाँ पे टाइटल बार में देखें, यह आपके फाइल के नाम को शो करेगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि यह हमारी फाइल सेव हो गई है। अब आपको इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, आप अपने पॉइंटर को फाइल पे लेकर आए, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर की फाइल के लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखें सेव एज टाइप पीडीएफ आ गया, फाइल के नाम को टाइप करें और फिर सेव पर क्लिक कर दें, जब सेव पर क्लिक करेंगे एक और बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपकी यह फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई, अब आपकी यह फाइल आपने जहां सेव किया है वहां पे दिखेगी। इस तरह से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं और उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नया पेज लेकर दिखाएं, उसमें हाइपरलिंक की मदद से सेव की गई और पीडीएफ की फाइल को अटैच करके दिखाएं। इसके बाद अपने टीचर से चेक कराएं, सही आंसर के लिए वीडियो को देखें। आइए अब कि न्यू डॉक्यूमेंट पे किसी फाइल को लिंक कैसे देते हैं, इसके लिए आप सभी नए डॉक्यूमेंट को लें या राइटर के नए पेज को लें, जैसे कि आपको बताया गया है कि आपको नए पेज पे हाइपरलिंक अटैच करना है या हाइपरलिंक विकल्प के द्वारा किसी फाइल को लेना है। अपने पॉइंटर को फाइल पे ले जाएं, क्लिक करें यहाँ पे या स्टैंडर्ड टूल बार पे यहाँ पे क्लिक कर दें या फिर शॉर्टकट कमांड का उपयोग करके नए डॉक्यूमेंट को ले लें। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टूल बार के द्वारा हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, एक बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर एक बॉक्स आ जाएगा, ये आपको पता है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, तो आप यहाँ से अपने एड्रेस को चूज करें, डेस्कटॉप डाउनलोड, मान लीजिए हमें डेस्कटॉप से लेना है तो हमने डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को ढूंढा कि हमने डेस्कटॉप पे किस नाम से उस डॉक्यूमेंट को सेव किया है, उसके बाद डेस्कटॉप पे हमने डॉक्यूमेंट के नाम से एक फाइल फोल्डर को रखा है, उस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है, तो हमने यहाँ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और हम फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट को ढूंढेंगे कि वह डॉक्यूमेंट कौन सी है। हमने अब उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया,
जैसे आपको बताया गया कि आपको पीडीएफ की फाइल को ओपन करना है, तो हमने ये सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद ओपन पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके डॉक्यूमेंट का पाथ और जो भी है आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे करने के बाद आपको क्लोज पे क्लिक करना है। उसके बाद अब जो आपका लिंक बन के आया राइटर के पेज पे, वहाँ पे अपने पॉइंटर को लेकर आए। जैसे आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएंगे, एक हैंड का साइन बन जाएगा छोटा सा, जो आपका पॉइंटर है वो हैंड के साइन में आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या करना है, अपने माउस या टच पैड के लेफ्ट बटन को दबाना है, कंट्रोल बटन के साथ में आपकी यह पीडीएफ की फाइल ओपन हो जाएगी। सामने नहीं आ रही, देखिए यहाँ पे टास्क बार के अंदर पीडीएफ की फाइल आ जाएगी। अब इसे टास्क बार पे क्लिक करें, यहाँ पे पीडीएफ की फाइल के ऊपर वो आपकी डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगी। अगर ओपन होगी वहाँ से तो कोई नहीं, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। अब इसे क्लोज करते हैं यहाँ से, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप हाइपरलिंक के द्वारा किसी भी फाइल को अपने करंट राइटर के पेज पर उसकी लिंक दे सकते हैं। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करें, उस पर कैप्शन लगाकर दिखाएं और अपने टीचर को दिखाएं। आइए सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और अपने आंसर को मिलाएं। आइए अब वीडियो को देखकर कैप्शन विकल्प का उपयोग करना सीखते हैं और इसके द्वारा आप अपने आंसर को भी सही करें। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ड्राइंग टूलबार से किसी एक शेप्स को ले लें। उसके बाद उसे अपने राइटर के पेज पर ड्रैग करें, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाएं, क्लिक करें यहाँ पे, फिर उसके बाद कैप्शन ऑप्शन पे क्लिक करें। अब एक बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे आप अपने इस कैप्शन के नाम को टाइप कर सकते हैं, नाम देना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे नाम। जो भी यहाँ पे आप टेक्स्ट इस इमेज के लिए देना चाहते हैं वह टाइप कर सकते हैं। या इस चित्र के लिए जो भी आप जैसा चीज भी आप टाइप करना चाहें, लिखना चाहें, लिख सकते हैं इसके द्वारा। यहाँ पे वह आपके चित्र के नीचे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद आपको ओके करना है यहाँ से। अगर आप कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखें आपके जो आपने जो चित्र इंसर्ट किया था उसके नीचे टेक्स्ट भी आ गया यहाँ पे लिख के, ये कैप्शन भी लग गया। इस तरह से आप कैप्शन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। अब आप इन वॉलअप बना के दिखाएं जिसमें कंप्यूटर शिक्षा सेक्टर 55 का एड्रेस होना चाहिए और फ्रॉम में कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। अब आप अपने टीचर को दिखाएं, अगर कोई समस्या है तो वीडियो को देखकर अपने आंसर को सही करें। आइए अब इन वॉलअप बनाना सीखते हैं और इससे अपने आंसर को सही भी करना सीखते हैं कि कैसे आंसर इसका सही होगा। राइटर के नए पेज को ले लें, इंसर्ट पे जाएं, क्लिक करें यहाँ पे, फिर उसके बाद
इनवॉल्व विकल्प पे क्लिक कर दें, यहाँ पे देखें तीन अलग अलग विकल्प दिया गया है। बाय डिफॉल्ट इनवॉल्व सेलेक्ट होगा, अगर नहीं सेलेक्ट है तो उसे सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे देखें पहले से ही हमने इसमें एड्रेस को सेव कर रखा था, तो एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपको इस एड्रेस को नहीं रखना है तो आप इसे मिटा के दूसरा एड्रेस टाइप कर सकते हैं, अगर रखना है तो आप देख के इसे टाइप कर लें। उसके बाद यहाँ पे सेंडर का एड्रेस दिया गया है जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट विकल्प से उसके एड्रेस के पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, सेंडर के पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, इनवॉल्व के साइज को कर सकते हैं चेंज, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब अपने इन्वॉल्व के साइज को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, उसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे आप इसको कम करेंगे, आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, यहाँ से उसके फॉर्मेट को ले सकते हैं कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। आप अपने इन्वॉल्व के हाइट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कर दें। अब देखिए आपके राइटर के पेज पे यह इन्वॉल्व का फॉर्मेट आ गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हम इन्वॉल्व अपने राइटर के पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। अब मेल मर्ज लगा के दिखाएं। मेल मर्ज की मदद से लेटर का फॉर्मेट बना के दिखाएं। अब आप अपने टीचर से चेक कराएं। अगर कोई समस्या हो तो सही आंसर के लिए वीडियो को देखें और उसे फिर सही करें। आइए अब मेल मर्ज के बारे में सीखते हैं। मेल मर्ज के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट को या लेटर के फॉर्मेट को किसी दूसरे एक से ज्यादा बंदे को आप भेज सकते हैं मेल मर्ज के द्वारा। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को टूल्स पे लेकर आएं। टूल्स पे क्लिक करने के बाद मेल मर्ज पे जाएं, क्लिक करें। यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप करंट डॉक्यूमेंट को भेजना चाहते हैं या किसी और को। मान लीजिए हमें इसी डॉक्यूमेंट को भेजना है तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट। फिर अब दूसरा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पूछेगा लेटर भेजना है या ईमेल मैसेज। हमें लेटर भेजना है तो हम लेटर को सेलेक्ट कर लेंगे, या बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस के लिए कहेगा कि आप कैसे एड्रेस देना चाहते हैं, इसके अंदर जो सेव है उन एड्रेस को या कुछ अलग, जो भी है आपको यहाँ से। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करें सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग आपके राइटर के डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे अलग अलग मेल मर्ज के अंदर एड्रेस दिया गया है। इनमें से जो भी एड्रेस आप रखना चाहते हैं इनको आप रख सकते हैं। अगर नया एड्रेस देना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर लें। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ऐसा बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आपको एड्रेस का इन्फॉर्मेशन देना है, किसका एड्रेस है। हमने टाइटल यहाँ पे दे दिया CS, उसके बाद उसके फर्स्ट नेम को, फिर सेकेंड नेम को यहाँ पे टाइप किया हमने, फिर कंपनी नेम को दे दिया यहाँ पे टाइप किया। उसके बाद एड्रेस टाइप करेंगे नीचे वाले बॉक्स में आके यहाँ पे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे दोबारा हम एड्रेस को टाइप करेंगे एड्रेस लाइन टू में। सिटी यहाँ पे टाइप कर देंगे। स्टेट टाइप करेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास सारे डेटा अवेलेबल है तो सब टाइप करें, नहीं है तो आप नाम को टाइप कर सकते हैं, कंपनी नेम टाइप कर दें। ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस दे दें। यहाँ पे अगर जेंडर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको ओके करना है।
अब ये पूछेगा कि आपको सेव करना है या नहीं। आप चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं। सेव पर क्लिक कर दें यहाँ पे। अब देखें ये आपके मेल मर्ज के अंदर ये एड्रेस एक और ऐड हो गया। अब इस एड्रेस को लेना है तो आप इस यहाँ पे ओके कर दें। फिर उसके बाद आप मोर पे क्लिक करें। यहाँ पे अलग अलग एड्रेस को दिया गया है। यहाँ से आप एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं। ये सब चेंजेस करने के बाद आप ओके कर दें तो वह फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। एक और बॉक्स आएगा यहाँ पे। यहाँ पे उनके आप फॉर्मेट को देख सकते हैं कि क्या क्या हमने उस एड्रेस में दिया है या क्या चेंज करना है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। फील्ड नेम से आप कंट्री, टेलीफोन, प्राइवेट फोन, टेलीफोन एड्रेस ले सकते हैं। यहाँ से ईमेल एड्रेस को दे सकते हैं। फील्ड वैल्यू देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से आप उसके फॉर्मेट को रख सकते हैं कि क्या पहला लेटर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है डियर फ्रेंड्स, डियर सर और मैडम जो भी है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे लेआउट आ जाएगा एड्रेस का। आप उसको यहाँ से पोजीशन को आप मूव करा सकते हैं, एंडिंग का जो है आपका अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे अब आ गया एडिट डॉक्यूमेंट। रिसिप्ट यहाँ पे दे देगा कितने बंदों को भेज रहे हैं हमने। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आएगा यहाँ पे, इसे हटा लें ओके करके। अब यहाँ से आपको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद सेव स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, इसको सेव करें। यहाँ पे फाइल के नाम को दे दें जिस नाम से सेव करना चाहते हैं। सेव करने के बाद यहाँ सेव विकल्प पे क्लिक कर दें। उसके बाद एक फिर बॉक्स आएगा यहाँ पे फिनिश कर। अब जो भी हमने चीज़ दिया है यहाँ पे आपके राइटर के करेंट डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। इस तरह से मेल मर्ज विकल्प का उपयोग करते हैं। अब आप अपने नाम से एक मेनू बना के दिखाएं जिसमें कॉपी, कट, पेस्ट, सेव और सेव एज के ऑप्शंस हों। फिर आप अपने टीचर को दिखाएं। आइए अब सही आंसर के लिए वीडियो को देखें। आइए अब अपने नाम से राइटर के डॉक्यूमेंट के अंदर मेनू बार क्रिएट करना सीखते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को टूल्स मेनू बार विकल्प पे लेकर आएं, क्लिक करें यहाँ पे। उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे चार अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें मेनूज को क्रिएट करना है। मेनूज को सेलेक्ट करेंगे, अगर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे मेनू नेम टाइप करें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप अपने नाम को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दें। अब देखें यहाँ पे उस नाम का एक मेनू बन गया, यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप ऐड कमांड्स के द्वारा कमांड को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमने एडिट पे क्लिक किया, एडिट के जो जो भी विकल्प रखना चाहते हैं यहाँ से हम उसे ऐड कर सकते हैं। किसी और ऑप्शन को रखना है तो हम किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कट को लिया हमने, जो भी ऑप्शंस रखने हैं हम यहाँ पे रख लेंगे। फिर हमने डिलीट को देखा या इसे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। पेस्ट लिया हमने यहाँ से और फिर ऐड पे क्लिक कर दिया। हमने तीन ऑप्शन लिया, कॉपी, कट, पेस्ट। और रखना चाहते हैं इसे स्क्रॉल करके जाएं नीचे, सेलेक्ट ऑल, फिर ऐड पे क्लिक कर दिया। जो भी ऑप्शंस लेंगे उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे।
सेलेक्ट पैराग्राफ को देखेंगे, अगर रखना है तो इसको भी सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दें। अब ये चार ऑप्शंस आपके नाम के जो मेनू बार बनाया है उसमें यह आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आप देखें कि मेनू बार में आपके नाम का, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, या जिस नाम से भी क्रिएट किया होगा उस नाम से एक मेनू बार बन गया, जिसके अंदर चार अलग अलग ऑप्शंस हमने ऐड किए थे, वो ऑप्शन भी यहाँ आ गए। तो इस तरह से आप राइटर में अपने नाम से या किसी भी नाम से मेनू बार को अलग से क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब अपने फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को शट डाउन करें। अब आप लिखित परीक्षा का एक टेस्ट होगा कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा लिया जाएगा।